देख सकते हो यहाँ पर क्या सीन हो रहा है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग, अभी तो शाम हो गया है, आप लोग बाहर देख सकते हो, लाइक हम लोग यहाँ पर इमेजिन के स्टोर पे आए हुए थे। तो क्योंकि द रीज़न वाज लाइक जोरिंदा का फ़ोन ये है, तो ये बैटरी फुल हो गया था, यहाँ से वो बाहर आ गया था स्क्रीन भी बैटरी फुल होने के कारण। तो अभी हम लोग यहाँ पर इमेजिन के स्टोर पे जब भी आए हुए थे, तो जोरिंद दादा को लगा कि ठीक करवा देता हूँ, ये तो फ़ायदा भी होगा, दूसरा फ़ोन भी होगा ना। तो जोरिंद दादा यहाँ पर आए हुए थे, तो क्या हुआ कि जब वो आ रहे थे तब उनको लगा कि एक्सचेंज करना बेहतर रहेगा उस प्राइस में, क्योंकि जितना बैटरी का चार्ज हो रहा था उतने में तो नया फ़ोन आ जाएगा ना। तो जोरिंदा को लगा कि, क्या लगा आपको? मुझे लगा कि वो यही फ़ायदा है कि मैं एक्सचेंज करूँ, लाइक 15 ले लूँ थोड़ा पैसे डाल के। एक्चुअली ये बनाने के लिए बोल रहा है मैक्सिमम 30 to 35 thousand तो लगेगा इसमें। तो इससे अच्छा मुझे ये है ना कि मैं ये दे दूँ, फिर उसके बाद वो ले लूँ नया फोन थोड़ा पैसा डाल के। एंड उसके बाद मेरा फिर से माइंड चेंज हो गया, क्योंकि ग्रिस ने मुझे बहुत ज़्यादा गाली किया। दूसरा फोन ऑलरेडी है ना 16 प्रो मैक्स, तो ऑब्वियसली शी विल बी काइंड ऑफ, बिकॉज दो फोन रख के क्या करोगे? मेरे पास ऑलरेडी दो फोन है, ग्रिस के पास भी ऑलरेडी दो फोन है, 15 and 16 है ना। और मेरे पास ग्रिस के पास मैकबुक भी है, मेरे पास आईपैड भी है, तो मुझे सिर्फ ज़रूरत है अभी इसका। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, ग्रिस ने बोला कि इधर यू ब्रिंग ये iMac, वरना तुम iPad ले लो, दूसरे कलर में बोल रहा था, अच्छा वाला नहीं, लाइक एयर और फिर वो प्रो ले लो बोल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही ले लूँ, क्योंकि कब से मेरा आँख ये वाले iMac में गया हुआ था, है ना। जब भी मैं स्टोर जाता हूँ तो मेरा आँख सीधा इस पे पड़ जाता है। तो गाइस, ही इज बाइंग दिस वन राइट नाउ, यू कैन सी द प्राइस, 55. अरे यार, गाइस, ये 90,000 में लिया था, इसका वैल्यू मुझे अभी वापस मिल रहा है 20,000 ओनली, बिकॉज ऑफ द बैटरी। ये हो गया ना, स्क्रीन निकल गया बैटरी फूलने से कारण। अब और मैं यहाँ पर कवर ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे को मिल ही नहीं यार। 15 को क्या मिल रहा है? देखो हम लोग कितने हैंडसम दिख रहे हैं। क्या ऑन जैसा मेरे मक्को ये दिस इज कमिंग और कुछ पहले गर्दा हुन्छ और अभी गेम का टाइम है गाइस, ग्राफिक्स गाइस, हम लोग निकल चुके हैं मिर्क के लिए, अभी सुबह है ताकि। तो गाइस हम लोग अभी मिर्क पहुंच गए, अभी खाना खा के भी आए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो गाइस हम लोग श्रेय के घर में हम लोग चाय का वेट कर रहे हैं, और मैं भी यहाँ पर ब्लॉग कर रहा हूँ गाइस, और मेरा पत्नी देवी इधर है, ये इतना शर्मा रही है इधर पर, हमको क्या क्या बोल रही है। हम लोग ने ना चाय पिएगा बोला तो वो हमको ऐसे देखते क्यों बोल रहे। बिस्किट खाने में तपाई बकतिर नहाल्दा यस्तोहरू। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ हेर्नु न, उयो वन अफ द बेस्ट भ्यू यु गेट फ्रम हियर। मैं मिरिक दो बार आ चुका हूँ, एक पहले बार एना और अरिता दादा के साथ, और दूसरी बार अभी।
तो वहाँ पर डक्स भी है, व्यू इतना मस्त है आज तो, वो भी सनराइज हुआ है आज तो, वहाँ पर देख सकते हैं डक वगैरह है। अरे एक डक तो मर गया यार, दो डक मर गए वहाँ पर, देखो एक यहाँ पर है वो सफेद वाला और दूसरा वाला यहाँ पर। आ जाएंगे हम लोग वो ब्रिज पे जाएंगे, वो ब्रिज पे तो अभी तो मैं अपने लिए ब्रश खरीदने के लिए आया था, मैं जल्दी उठ गया, अभी 7-8 बज रहे। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और हम लोग बाहर निकलने वाले हैं, यहाँ पर है जोरिंदा और हैप्पी मंसूरी आपको और आपको भी धन्यवाद। और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। सो गाइस दिस इज मिरिक और अभी होटल से हम निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ से तो मैंने दिखा दिया था आप लोगों को पहले ही कि क्या है क्या नहीं है बोल के, और से आ गई है वहाँ पर। सो गाइस अभी हमें और ग्रेस में सब लोग यहाँ पर है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आई डोंट नो वेट कहाँ पर जा रहे हैं, फर्स्ट खाने जा रहे हैं फिर देखेंगे क्या होता है। गाइस अभी हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, मौसम आती थी नहीं सो गाइस अभी लंच करके हम लोग निकल चुके हैं, पर वो लोग फोटो खींच रहे थे तो मैं सोचा कि यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर एक अच्छा सा व्यू है यार, मिरिक इज ग्रेट एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन सी इतना अच्छा। आप लोगों को ठीक से तो नहीं दिखाई देगा पर द व्यू इज लाइक दिस, आप लोग देख सकते हो यार, ये तो एक वो क्या बोलते हैं ये एक हॉरर सीन का पार्ट जैसा दिख रहा है। एंड हियर इज अ मोनेस्ट्री, सो अभी तो मोनेस्ट्री बंद है आई गेस, सो हम नहीं जा सकते अंदर, यहाँ से तो जा सकते हैं पर वो गेट ही बंद है ना, तो गेट से तो निकलना पड़ेगा। और यहाँ पर फोटो खिंचाई हो रहा है, फर्स्ट टाइम आएको होइन सेकेन्ड टाइम भयो तर घुमेको चाहिँ थिएन यसरी जस्तो। अनि कसरी बोल्नु पर्ने, तो गाइस अभी जिस लोकेशन में दिखा रहा था उस साइड से वही लोकेशन पे आ गया हूँ। तो गाइस हम लोग उस साइड थे पहले, अभी इस साइड आ चुके हैं और यहाँ पर बोटिंग करने जा रहे हैं, उस बोट पे करने जा रहे हैं, वो वाला बोट। यहाँ पर गोबर है, सो गाइस यहाँ पर घोड़ा ही हो रहा है, हॉर्स यू कैन सी। शूट हो रहा है जोरम दादा का, आप लोग देख सकते हो। क्या बोल रही थी आप, लाइफ अपडेट, श्रेया को जितना मैला हुआ, श्रेया का शूज मैला हो गया है, श्रेया नहीं श्री हाँ। और कुछ आपको कहना है, बता सकती है, बता सकती है आपका नील्स फिर से दिखाओ।
गई, हम लोग बॉम्बे स्पेशल चाय खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, पी रहे हैं। इतना ज्यादा मछली मैंने फर्स्ट टाइम देखा है यार, वो भी एक ही जगह पर। देख सकते हो यहाँ पर क्या सीन हो रहा है। ग्रेसी नाना पे कर रही है सबका बिल, तो इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है जोरिंदा का। अभी हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, आज चौथा दिन है, चौथा रात है हमारा यहाँ पर म्यूनिख में, और स्ट्राइक हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हो रहा है, तो इसी चक्कर में सब कुछ बंद है। अभी रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं हम लोग ढूंढने के लिए, बना बन बच्चे। सो गाइस हम लोग डिनर खा चुके हैं, अभी हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर दोनों सो रोमांटिक एंड मे सिंगल गंडा, वही अच्छा। अभी होटल पहुँच गए हैं, ये रहा। तो गाइस अभी हम लोग चलने वाले हैं, निकलने वाले हैं यहाँ मेरिक से। आज स्ट्राइक नहीं है, बाप रे बाप, अगर आज भी स्ट्राइक होता तो हम क्या करते ना। तो आज सब दुकान वगैरह खुला है और हम होटल को अलविदा बोल रहे हैं आज के लिए। जो हम ना वहाँ पर एटीएम के वहाँ खड़े खड़ा है, एटीएम के वहाँ खड़ा है। तो अभी क्या है, आई विल मिस मिरिक, क्योंकि यार इतना अच्छा जगह है यार, यार आई कैन डिस्क्राइब इन वर्ड्स, लाइक यू गाइस हैव टू कम एंड विजिट मिरिक यार, बहुत अच्छा जगह है, बहुत सारे लोकेशंस बहुत बहुत प्यार से है, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और ग्रेसी नाना भी रेडी, तो यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आया, खास करके जोरिंदा और ग्रेसी नाना की वजह से, क्योंकि वो अगर यहाँ पर नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम एज वेल, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर लाया, घुमाया, इंजॉय करवाया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच जोरिंदा एंड ग्रेसी नाना इफ़ यू आर वॉचिंग माई ब्लॉग। इतना ही है यार, अभी टाटा कहने वाले हैं, आंटी आने वाली है ग्रेसी नाना की मम्मी, तो अभी देखते हैं।